शुक्रवार को मंगलवारी जोन अंतर्गत नारा स्थित आयर नगर में कुछ देर के लिए मनपा की अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते को उस समय विरोध का सामना करना पड़ा जब दस्ते ने अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ जेसीबी से कार्रवाई शुरू की। अपने ससुराल जाना एक व्यक्ति को पड़ा भारी, पत्नी और बच्चे को लेने एक व्यक्ति ससुराल गया, क्या विवाद के चलते सास सहित दो लोगों ने दामाद का सिर फोड़ दिया और जमकर मारपीट की। एमआईडीसी पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के प्रावधानों की समीक्षा की मांग और तेल के महंगे दामों के मुद्दों को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा भारत बंद के आह्वान का असर ऑरेंज सिटी के किसी भी मार्केट में नजर नहीं आया। शुक्रवार का बंद पूरी तरह से खुला खुला रहा। शुक्रवार को 12,396 लोगों की जांच किए जाने के बावजूद केवल 1,074 लोग ही कोरोना पॉजिटिव मिलने से कुछ राहत मिलती दिखाई दी। वहीं शुक्रवार को 6 लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से चोरी किया गया लोहा खरीदने वाले कबाड़ दुकानदारों के खिलाफ विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। ऊर्जा मंत्री और जिला पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने शुक्रवार को सुबह दोबारा कोरोना महामारी के संदर्भ में विभागीय आयुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक ली। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आई महिला यात्री के दोनों पैर कट गए। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका पुष्पमाला सुधाकर ओटे बताई गई। वाटड़ा पुलिस ने मिली जानकारी के आधार पर एक रेल ट्रांसपोर्टर के हाथ छापा मारा। पुलिस ने चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया जबकि ट्रांसपोर्ट मालिक सहित दो की तलाश जारी है। देश में पेट्रोल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ शहर युवक कांग्रेस के महासचिव नयन तरवटकर ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य केंद्रीय मंत्री के मुखौटे पहनकर दसवीं रावण बताया। शादी का लालच देकर युवती से लगातार दो महीने तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करने वाले युवक के खिलाफ गुरुवार को हिंगना पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया।